सिवनी मालवा में रहे पीआई अजय तिवारी सोहागपुर में भी एक कच्ची शराब बेचने वाली महिला से तोली में 10,000 रुपए मांगने के आरोप से घिर गए हैं। इसका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें आरोपी महिला वर्षा पति संजू सोनकर निवासी मारुपुरा वार्ड सोहागपुर ने थाने में पहुंचकर उप निरीक्षक वर्षा धाकर के जरिए जमानत के बतौर अपने गहने देकर 2 दिन में रुपए जुटाने की मोहलत मांग रही है। पीड़िता ने इसकी शिकायत रेंज के पुलिस महानिरीक्षक से भी की है। इस बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव सहित लिखित शिकायत कर टीआई व उप निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। इधर इस मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि उक्त महिला बाद में शिकायत पर जांच व कार्रवाई से ही पलट गई और लिखित में आईजी एसपी को पत्र भी दे दिया। यह है लिखित शिकायत। शिकायतकर्ता वर्षा सोनकर ने आईजी को दिए आवेदन में अवगत कराया। यह बातें शिकायतकर्ता ने अपने मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड कर ली। आरोपी महिला ने कार्रवाई नहीं होने पर परिवार सहित आत्महत्या कर लेने की भी बात कही है। शिकायत के बाद पलट गई महिला। रिश्वत की गंभीर शिकायत करने के बाद शिकायतकर्ता वर्षा सोनकर बाद में पलट गई। उसने आईजी एवं एसपी को लिखित में दिए पत्र में कहा है कि 10 जून को जो उसने शिकायत की थी वह गलतफहमी हो गई थी, उस पर वह कोई कार्रवाई नहीं चाहती, अपना आवेदन वापस ले लिया। दिन हो गए रे भैया, आज तो कुत्ते घाई भटकते भटकते पा रहे नहीं लग पा रहे। हाँ आए थे टीआई साहब, आए थे, वही ना दीदी। मैं भी देखो आज इतवार का दिन पड़ गया, किस्मत इतनी खराब है। आज इतवार का दिन है, पूरा सराफा बंद है। जिसका मेरे पास का जेवर है उसके पास घूमी आई तो बोल रहा भैया मैं तो यहाँ पे हूँगा, भोपाल के आगे क्या सीहोर, वहाँ मेरी सास खत्म हो गई बढ़ता, सुहागपुर में कोई रख ले तेरा दीजिए घर तो तू रख दे, फिर मैं आके उठू आगे तू मेरे पास रख देना। यहाँ कोई रखने को तैयार नहीं है। तनिष्क वाला बोल रहा है कि भाई पर्ची लेके आओ। पर्ची कहाँ से लाऊं दीदी, लेकिन मेरी बात करा दो आप टीका हिसाब से। नहीं सर को आप जमानत के तौर पर ये रखवा दो। अब दीदी पैसा कहाँ, अब मैं क्या बोलूं बताओ आप। नहीं वही मैं आपसे बोल रही थी, नहीं मेरी साहब से बात करा दूँ, मैं सर के हाथ पैर जोड़ ले रही। सर मेरे को 1-2 दिन का तो मौका दो, जिसके पास का दिए बारे पर्ची नहीं मेरे पास। मैं लेके आ रही हूँ तो मैंने ये बोल दिया ना कि दे दी, समस्या ये। अब मैं तो बोला था कि मैंने दे दी, जाने नहीं दे दी, जाने नहीं दे दी। तो आप एक काम करो, साहब से बोलो कि ना साहब इसने मेरे से झूठ बोल दिया, आप मेरे को बोल दो। अब दीदी आज देखो इतवार का दिन पड़ा, नहीं तो मैं तो आपसे आपके सामने इसी से पूछे मैं काजिया सोने की दुकान खुली कि नहीं। वही मैं बोल रही नहीं सर से मेरी बात करा तो मैं हाथ पैर जोड़ लूंगी। गोटी तो कोई तो मेरी समस्या हो रही दीदी। अब देखो अपने पास इसके अलावा कोई धंधा भी नहीं बहन के अपने पास पैसा आ जाए तो यही मिलेगा दीदी। जब से भगवान की कसम मेरे बच्चे की कसम आज मेरे घर में निवाला नहीं बना है, क्योंकि 2 बजे तो थाने से गई दीदी मैं, जब से ही लगी है लड़के को लेके भटकते। दीदी कल नहीं बहन, 2 दिन का मेरे को मौका दो आप। देखो दीदी अपन मेरी भी तो मजबूरी बहन, देखो जेवर ही रख के करूँगी, अब सुनान नहीं है तो मैं क्या करूँ यार, मेरी भी मजबूरी समझो दीदी। देखो मेरे पास दारू के अलावा कोई धंधा पानी नहीं है, मैं भी मजबूर हूँ। मेरे आदमी की तुम्हें पता ही है कि 2015 से बीमार पड़ा होगी, अभी तक उसको अल्सर की प्रॉब्लम हो गई, मैं उसमें और परेशान हूँ मालूम। नहीं तो मैं बोल रही ना आप मेरी बात करा दो, मैं सर के हाथ पैर जोड़ ले रही हूँ। नहीं यार अभी आए थे, बोल तो रही तुमसे अभी आए थे और लेके चले गए हैं। मैं यही चक्कर में इतना लेट हो गई दीदी, भटकते फिर रही अजय सोनी बोल रहा तनिष्क वालों के यहाँ चले गया, बोल रहे तो आ रहे, बोले पर्ची हो तो रखो आप जेबर, पर्ची है नहीं मेरे पास, मजबूरी ये है। नहीं तो आप मेरे भरोसे पर तो मात्र मेरे को 2 दिन का आप मौका दो दीदी, वो परसों आएगा जैसे ही। नहीं 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 मैं आपको क्यों नहीं दूंगी, जब मैं आपने मेरे को इतने उस मुसीबत से बचाई। सर बोल रहे मेरे से कि 34 टू लगाओ ये वो, जब आप मेरे को मुसीबत में बचाए तो मैं आपका कैसे खा लूंगी बहन बताओ आप। आई हाँ तो ऐसे कर लो दीदी आप, ठीक है।
बहन कल नहीं तो परसों आपको 10 बजे में थाने में मिलूंगी। देखो वो तो है, वो तो खैर समस्या, वो तो खैर आप सही बोल रहे हैं। अगर दीदी अजय भैया यही होता ना, अजय सोनी, तो वो तो अब भी रख लेता, पर मैं ठीक है, मेरे पास पर्ची नहीं है। ठीक है, मैं कहीं से कुछ भी करूँ, कर्जा लूँ, भीख मांगू, आपका पैसा ला के दूंगी। ठीक है, ठीक है दीदी, ठीक है, कल शाम तक आऊंगी। अच्छा, मैं ठीक है दीदी, हाँ दीदी, ये देखो ना, घर छोड़ के आ रही थी, रो रही थी, मैं क्या करूं बहन, कहाँ छोड़ूं उनको, वो रहते नहीं मेरे बिना। उस जेब में रख ले भाई, टपका मत दे ना, कान के भी है उसमें मेरे, तू टपका दे तो मेरी और चपत लगा दे। पिट के आई है आज, अब बोलो ही मार दूंगा, दादा 10,000 मांग रहे है पीआई साहब, तो नहीं मान रहा है वो, दीदी ने बात कर ली, बोल रही है मैं अपने पास से दे रही हूँ, भैया मान नहीं रहा, दादा बताओ, नहीं समझ रहा भैया, दादा मजबूरी, फिर कोई दीदी ने भी इतनी करी, कोई मौसम भैया बताने लगे, बोले परसा मैडम तेरे प्रति खड़ी रही, कोई मैं बता रही, मौसम भैया बोलने लगे, बोले वर्षा तेरे को मैडम बता रही नहीं, तेरे को चोटी तू में साफ भिजा देता है। मैं बोली देखो मेरे पास दारू पी है 2 लीटर 3 लीटर, उसके बाद चोटी से लगा रहे बात की, लेकिन भैया टीआई साहब हम लोग के साथ करेंगे तो हमारी बदुआ कहीं ना कहीं लगेगी, वो भी कहीं उनको फलेगा नहीं भैया, मेरा मजबूरी का फायदा लेंगे तो। ठीक है भैया जा रही,